Hello everyone. Now we are going to start with the next part and the last part of atom, molecule, nuclear, जहाँ से numerical आते हैं. That is matter wave and radioactivity. Okay. So first of all, we'll see all the formula which is required for matter wave. Matter wave is a wave associated with matter. उसका basic formula lambda is equal to h upon p. ठीक है? Wave associated with matter. फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. पी इज द मोमेंटम. ओके, तो मैं पी को एच अपॉन एम वी ऐसे लिख सकता हूँ. बराबर है? तो पहला फॉर्मूला वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, जनरल फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. व्हाट इज एम वी? एम वी इज मोमेंटम. ये पहला चीज. ठीक है, अभी जितने भी बॉडीज वाले सम्स है, पार्टिकल्स वाले सम्स है, वो इससे सॉल्व हो जाएंगे. बट डी ब्रॉगलीज ने इसको चार्ज पार्टिकल के लिए स्टडी करना चालू किया. ओके, तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल के लिए अभी फॉर्मूला बनाएंगे वेवलेंथ का. ठीक है, नाउ इस फॉर्मूला को और अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एच अपॉन रूट ऑफ टू एम ई, वेयर ई इज द एनर्जी. What is E? Energy. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ टू एम ई. तो इसे एकदम सिंपल है, एनर्जी फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर. ठीक है, दोनों बाजू इफ आई मल्टीप्लाई बाय एम तो टू एम ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर. चलेगा ऐसे कि मास से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट एंड राइट साइड में. तो व्हाट इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर? इट इज मोमेंटम. स्क्वायर यहां पर रूट आएगा तो 2me, तो इन प्लेस ऑफ c मोमेंटम मैंने ये वाले सब्स्टिट्यूट कर दे. तो बहुत सिंपल है. ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न किया तो भी चलेगा. तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2me, वेयर ई इज द एनर्जी. नेक्स्ट, फॉर चार्ज पार्टिकल, फॉर चार्ज पार्टिकल अभी ये फॉर्मूला कैसे लिखते देखो. सपोज एक चार्ज है, अभी इस चार्ज को मुझे मोशन में लाना है. ठीक है, अभी आप ये बात को समझे कि जब तक बॉडी मूव नहीं होगा तब तक डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं मिलेगा. तो इट इज वेरी नेसेसरी कि बॉडी मोशन में है, पार्टिकल मोशन में है. तो ये चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, और ये ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया किसी पोटेंशियल से, सब लोग इसके बीच में पोटेंशियल बना दिया. बोलो चलो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. ठीक है, तो दो प्लेट्स मैंने बनाए एंड आई कनेक्टेड टू द पोटेंशियल प्लस एंड माइनस. सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस चार्ज विल स्टार्ट मूविंग दिस वे. तो चार्ज में क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी गेन होगी. ठीक है, तो ये एनर्जी आई कहां से? तो पोटेंशियल से. तो फॉर्मूला क्या है? क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये जनरल फॉर्मूला है, देखो क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज एनर्जी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो अगेन आई कैन राइट दिस एज टू क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर. तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय एम ऑन बोथ दी साइड तो टू एम क्यू वी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर. तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज मोमेंटम. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा? रूट ऑफ टू एम क्यू वी. ठीक है, तो लैम्डा का फॉर्मूला आएगा एच अपॉन पी, पी के बदले अपन डालेंगे 2m qv. तो ये चार्ज पार्टिकल के लिए. तो अगर प्रोटॉन के ऊपर समाया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर समाया, तो ये ऐसे फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, देखो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया पोटेंशियल लगा के. फॉर्मूला क्या? qv इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये v क्या? व्हाट इज दिस v? दिस v इज पोटेंशियल. किसको क्या बोलते हैं आप याद रखिए. ठीक है, चलो ये किसके लिए? नॉर्मल पार्टिकल्स. फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी. एम वी के बदले एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एच अपॉन रूट ऑफ टू एम ई. ठीक है, और ये पोटेंशियल के फॉर्म में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ टू एम क्यू वी. ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए. अभी मुझे बताओ फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये वैल्यू आपने को पता है एच टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 9.8 × 10⁻³⁻¹.
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 1.6 into 10 raised to minus 19, तो ये सारे वैल्यूज मुझे पता है, तो ये आंसर आएगा 12.27 अपॉन रूट वी एमस्ट्रॉन यूनिट। तो ये स्पेशलाइज फॉर्मूला है, ऐसे आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हो पर टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ही स्टडी करिए। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। तो जितने भी सम्स है ये एक फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला, देयर आर ओनली टू फॉर्मूले, दिस वन एंड दिस वन, इस पे सॉल्व होने वाला है, और ये एक स्पेशल केस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में अपन जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो दैट इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो एज सच इसके ऊपर टेक्स्ट बुक में कोई सम नहीं दिया है, बट देन ऑल्सो यू नो यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। एक आध बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था इसका क्वेश्चन, तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, ये एक फॉर्मूला है रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का। मतलब आप जब डेरिवेशन करोगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन के एंड में आएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला है, किसी भी इंस्टेंट में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसका फॉर्मूला है। ठीक है, बट आई सजेस्ट यू गो फॉर हाफ लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर के सम्स आने के ज्यादा चांसेस है। लामडा इज इक्वल टी इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लामडा, तो ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, इफ यू सी पेज नंबर 300, ठीक है, तो ये जो आंसर है काफी इंपॉर्टेंट आंसर है, यू हैव टू डू इट। ठीक है, यू शुड नो वॉट इज डी के कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ का डेरिवेशन। न्यूमेरिकल्स एज सब टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आप चाहिए तो इसको स्किप भी कर सकते हो, या फिर हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले तो कम से कम कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर्मूले, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड दी रेडियो एक्टिविटी के सम, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन, फाइंड दी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड दी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मास दिया हुआ है। ठीक है, आई प्रोटॉन का मास दिया, फॉर्मूला याद करो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम वी इज इक्वल टू एच बाई रूट ऑफ 2 mE। अब मुझे एनर्जी दिया है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एनर्जी इज गिवन टू यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। ओके, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मास दिया हुआ है प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg, सो दिस टू वैल्यूज आर नोन। अपने को लैम्डा फाइंड करना है, तो 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, ये h की वैल्यू, अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू m, m क्या है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 इंटू e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, तो यू कैन कैलकुलेट दिस। इसका आंसर आपको लेके आना है एमस्ट्रॉन यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ दिया हुआ है 0.5 एमस्ट्रॉन यूनिट। देखो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, मतलब उधर ही समझ जाने का कि ये सम डी ब्रोगलीज का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, सॉरी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मतलब अपने को वी फाइंड करना है। तो लेट मी कॉल दिस स्मॉल वी एंड दिस इज कैपिटल वी, ये वेलोसिटी और ये पोटेंशियल है। तो सबसे पहले तो लामड़ा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अपना जनरल फॉर्मूला, तो एच इज इक्वल टू एम वी, तो ये स्मॉल वी तो आपको मिल जाएगा ना, एच अपॉन एम लामड़ा, तो स्मॉल वी इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 अपॉन मास कितना दिया 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 इंटू लामड़ा की वैल्यू कितनी है 0.5 एमस्ट्रॉन यूनिट है, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 10, तो ये ऑल वैल्यूज आर नोन, इसका आंसर आप कैलकुलेट करो आ जाएगा। ठीक है, एक बार आपको वेलोसिटी मिल गया, फिर आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। नाउ डायरेक्ट वो शॉर्टकट यूज कर लो जो मैंने लिखवाया था कि ईवी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ईवी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो ज्यादा झंझट नहीं आएगा। तो अपने को वी अगर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन 2e, है ना। तो पोटेंशियल क्या आएगा, मास की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे डालोगे का स्क्वायर,
upon 2 into charge of electron 1.6 into 10 raised to minus 19. तो स्टार्टिंग का हमने थ्योरी पढ़ लिया तो ये सारे सम आपको इजीली कर सकते हो. दे आर वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट देखो. कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट. अभी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दी है? 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? यू हैव टू फाइंड लैम्डा. जनरल फार्मूला क्या है? H अपॉन mv. ये जनरल फार्मूला है. अब मुझे बताओ H अपॉन एम वी के बदले क्या डाल सकते हैं? C बाय 4, है ना? तो H वाले C बाय 4 डाल दिया तो बताओ क्या आएगा? 4 इंटू 6.63 इंटू 10 रेस टू माइनस 34 अपॉन मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 और स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10 रेस टू 8. मुझे लगता है ये तो काफी सिंपल हो गया. ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन having d broglie's wavelength 3 angstrom unit. wavelength kitna diya hai? 3 angstrom unit. question kya pucha hai? momentum. to ye bhi aur simple hai. lambda ka formula kya hai? h by p. therefore p is equal to what? h by lambda. to 6.63 into 10 raised to minus 34 upon lambda ki value kitni diye? 3. you will easily get it. theek hai, ये एक सम देखो. डी के कॉन्स्टेंट दिया है, डी के कॉन्स्टेंट मतलब लैम्डा दिया हुआ है 4.33 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 पर ईयर. हाँ, और हाफ लाइफ पूछा हुआ है. फॉर्मूला क्या बनाया था अपने? 0.693 अपॉन लैम्डा, है ना? तो 0.693 अपॉन 4.33 इंटू 10 रेस टू माइनस 4. ये द आंसर. तो ये सारे इजी सम्स हैं. आई थिंक आराम से कर सकते हो इन सबको. ठीक है, कोई कंप्लेंट इसमें नहीं आता है. ठीक है, टेक्स्ट बुक के भी मैंने सारे सम्स कर दिए. नाउ द मेन पार्ट ऑफ द मॉड्यूल इज कि आपको इसका थ्योरी करना है. तो डी ब्रॉगलीज का आप थ्योरी पढ़िए थोड़ा, कि व्हाट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू पढ़िए. ठीक है, और मेन रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का और हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये आपसे होना ही चाहिए. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू.